मोदी सरकार की मदद करने पर जजों को मिलता है पुरस्कार। सुप्रीम कोर्ट की वकील ने किया बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार। हालिया वर्षों में जिन जजों ने सरकार के पक्ष में फैसले सुनाए, किसी को राज्यसभा सांसद, किसी को राज्यपाल तो किसी को बड़े पद पर बिठा दिया गया। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील ने बड़ा खुलासा कर दिया, सबूत के साथ पूरी पोल खोल दी। बड़ा आरोप लगाते हुए कहा, मोदी सरकार अपने मनमाफिक लोगों को जजों के पद पर बिठाना चाहती है। सीनियर वकील ने क्या क्या खुलासे किए, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने एनार्कुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रेजेंट डे चैलेंजेस विषय पर मोदी सरकार पर बड़े हमले किए, न्यायपालिका पर कब्जे की कोशिश की पूरी पोल खोल दी। रिटायरमेंट के बाद जजों को पद मिलना खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे से पूछा गया, सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बाद सार्वजनिक पद ग्रहण करने वाले न्यायाधीशों पर आपकी क्या राय है? इसके जवाब में कहा, मेरा मानना है कि न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद पद ग्रहण करने पर रोक होनी चाहिए। जज सरकार को फायदा पहुंचाते हैं, इसके बदले में उन्हें बड़ी मदद दी जाती है, पुरस्कृत किया जाता है। जस्टिस नजीर को राज्यपाल बनाए जाने का मामला ऐसा ही है। यौन उत्पीड़न के आरोपों को छिपाने के लिए सरकार के पक्ष में फैसला। दुष्यंत दवे से पूछा गया, क्या उन्हें नहीं लगता कि पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका ने हमें निराश किया है? इसके जवाब में दवे ने कहा, सीजीआई गोगोई के कार्यकाल में राफेल, अयोध्या, सीबीआई समेत कई मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया गया। ऐसा यौन उत्पीड़न के आरोपों को छिपाने के लिए किया गया, इससे नागरिक काफी प्रभावित हुए। सीजीआई गोगोई, बोबडे, रमना के शासन ने निराश किया। भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई पर मीटू मूवमेंट के दौरान यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। एक निश्चित वैचारिक झुकाव वाले जजों को लाया जा रहा है। दुष्यंत दवे से अगला सवाल कॉलेजियम सिस्टम पर पूछा गया। उनसे सवाल किया गया कि आप कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में नहीं हैं, न्यायपालिका की आजादी सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है? दवे ने कहा, आज के भारत में इस सवाल का जवाब मुश्किल है। हमने अपना नैतिक फाइबर खो दिया। ऐसे लोगों को पावर मिलाना मुश्किल है जो वास्तव में आजाद हैं। आज जिस तरह के न्यायाधीशों का चयन किया जा रहा है, वो एक निश्चित वैचारिक झुकाव वाले हैं। कॉलेजियम के मेंबर्स स्वयं कुछ राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। सरकार के पक्ष में फैसले न देने पर उनकी बदनामी की जाती है। दुष्यंत दवे से सवाल किया गया, आजकल जब न्यायपालिका किसी मामले में हस्तक्षेप करती है तो जुडिशियल एक्टिविज्म की बात कह उसकी आलोचना की जाती है, इसका मुकाबला करने के लिए क्या किया जा सकता है? जवाब में दवे ने कहा, राजनीतिक वर्ग न्यायपालिका से नफरत करता है। उदाहरण के लिए विशाखा फैसला को लें, इसने कार्यालयों में महिलाओं के उत्पीड़न को संबोधित किया। संसद तब तक कोई कानून पारित नहीं कर सकती थी, मीडिया भी खामोश है, लेकिन उन्हें रहने दो। मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका अच्छा काम करती रहेगी।